लक्ष्मी की स्थापना के साथ ही महालक्ष्मी पूजन का भव्य महाप्रसाद रविवार को जगह जगह आयोजित किया गया था। इसी श्रृंखला में मदन गृह उद्योग के दुर्गा मंदिर में भी महालक्ष्मी विराजी हुई थी। इस दौरान माता के प्रति आस्था रखने वालों की भीड़ देखी गई। पेश है महालक्ष्मी की मनमोहक झलक। सप्तमी को अनुराधा नक्षत्र में महालक्ष्मी जी का आगमन होता है, उन्हें सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी ज्येष्ठा कनिष्ठा के रूप में अपने बच्चों के साथ 3 दिन अपने मायके पधारती हैं। पहले दिन स्थापना पश्चात सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम हेतु एकत्रित होती हैं। आपको बता दें कि महालक्ष्मी का 3 दिवसीय पर्व 3 सितंबर से मनाया जा रहा है। इस पर्व के तहत सभी परिवारों में महालक्ष्मी आली घरात सोन्याचा पायानी ऐसी पंक्तियों के साथ महालक्ष्मी की अगुवानी की जाती है। माता लक्ष्मी अपने परिवार के साथ हमारे घर में आए, घरों में सुख संपन्नता और सदैव लक्ष्मी का वास हो, कुछ ऐसी ही मनोकामनाओं के साथ 3 दिवसीय भव्य महालक्ष्मी का आयोजन परिवार में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। महालक्ष्मी व्रत में घर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और लगातार 3 दिनों तक विविध आयोजन किए जाते हैं। नागपुर के शांति नगर स्थित मदन गृह उद्योग में भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ महालक्ष्मी की स्थापना की गयी। इस घर की लक्ष्मी ममता मदन धुरिया बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी को विराजती है। मैं शांति नगर में रहती हूँ, हमारे यहाँ महालक्ष्मी बैठती है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। और महालक्ष्मी की कृपा हमारे पूरे शांति नगर में रहे, पूरे परिवार में रहे, मैं ऐसी विनती करती हूँ माता से। हम यहाँ पर धुलिया परिवार की ओर से हम यहाँ महालक्ष्मी बैठा रहे, 7 साल से हम महालक्ष्मी बैठा रहे हैं। शांति नगर में हमारा घर है, मदन गृह उद्योग में 7 साल से हम महालक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं। शांति नगर में मैं रहती हूँ, मेरे को 6 साल हो गए महालक्ष्मी बिठाने को। 6 साल से मैं पूजा कर रही हूँ महालक्ष्मी की। 2.5 दिन तक रहती है माता, उनका आदर सत्कार करती हूँ, भक्ति में लीन रहती हूँ मैं। और फिर 7वां साल है ये। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के जिस रूप की पूजा की जाती है वह देवरानी जेठानी है। अपने बच्चों के साथ वह इन दिनों मायके आती हैं। मायके में आने पर 3 दिनों तक उनका भव्य स्वागत किया जाता है। पहले दिन स्थापना, दूसरे दिन भोग और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम के साथ माता की विदाई की जाती है। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। Sara bhakta na tu pavli, sara.